हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चैनल में। तो गाइस यार, मैं आज इस मैच की वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास टाइम आज बिल्कुल भी नहीं है, बट काफी कमेंट्स वगैरह उसकी वजह से काफी मतलब रिक्वेस्ट आई कि भाई इसके बारे में बताओ, थोड़ा एनालिसिस करो इसके बारे में कि ग्रैंड लीग टीम्स कैसे बनाए। लास्ट मैच आपने देखा होगा भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट लेके चले गए, तो उसी हिसाब से आज यहाँ पर थोड़ा मैं आपको इस मैच के लिए प्रेडिक्शन, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की वीडियो बनेगी या 10 मिनट की, बहुत ज्यादा बनेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। पर इस बार ग्रैंड लीग की जो भी ट्रिक्स आपको यूज करनी है, कैसे आपको ग्रैंड लीग का गेम यहाँ पर प्ले करना है, वो सब कुछ आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में बताने की। बाकी गाइस अगर कोई कमी रह जाती है, किसी चीज आपको क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, रिप्लाई में आपको कमेंट में जरूर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि कमेंट पर रिप्लाई करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं चाहिए। हालांकि मैं सोचा लास्ट में कि यहां पे लाइव आऊंगा रात को एक बार, तो उस टाइम आपको बता दूंगा, बट लाइव में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1.5 घंटा मेरा स्पेंड हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाकर शॉर्ट में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ग्रैंड की टीम्स प्ले करनी है और क्या हमारे यहां पे प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ रहने वाली है। बाकी टॉस के बाद तो हमारे प्रेडिक्शन जो अपने टेलीग्राम चैनल पर होती है वहां पर होगी होगी ग्रैंड के लिए, ठीक है? बात करेंगे श्रीलंका और इंडिया का जो सेकंड T20 खेला जाएगा, सेम ग्राउंड है कोलंबो ग्राउंड में। पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली जरूर दिख रही है। लास्ट मैच में आपने देखा होगा यहाँ पे जो फास्टर्स है काफी तगड़े परफॉर्मेंस आपको दे गए, मगर ओवरऑल इस मैच का अगर देखा जाए ना, इसीलिए यहाँ पे स्पिनर्स थोड़ा ऊपर गए, सॉरी स्पिनर्स डाउन आके यहाँ पे बॉलर्स जो पेसर्स है वो थोड़ा ऊपर चले गए, क्योंकि यहाँ पे इस पिच पे मोस्टली विकेट जो मिलती है वो स्पिनर्स को मिलती है ठीक ठाक उससे। तो आप देख लेते जैसे लास्ट में भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट लेके चला गया, तो यहाँ पे आज मुझे लगता है कि पेसर्स को इतनी विकेट मिलेगी, बट यहाँ पे स्पिनर्स आज के मुकाबले में मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है पिच हिसाब से बिहेव कर रही भी, तो वहां पे स्पिनर्स आज ज्यादा यहाँ पे प्रेफर करने वाले हैं। बाकी चलिए बात करते हैं यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की। वेदर रिपोर्ट की कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पे 20% चांस है यहाँ पे बारिश के थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता नहीं है बारिश होगी, यहाँ पे मौसम क्लाउड जरूर रहेगा, ठीक है? तो ये तरह की हमारी वेदर रिपोर्ट। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं टीम वन और टू मैंने यहाँ पे बना रखी है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में उतार सकते हो, ठीक है? एक तो पहले आपका 2 विकेट कीपर और 3 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 3 यहाँ पे बैट्समैन, तो ये 3 आपको एक ग्रैंड लीग की मतलब एक कॉम्बिनेशन है इस तरह का। यानी सेकंड विकेट कीपर आपका सीधी सी बात है भानुभाई आएगा, और पहले यहाँ पे संजू सैमसन ही आएगा अगर वन डाउन आते हैं तो, क्योंकि संजू सैमसन और ईशान किशन कोई भरोसा नहीं है वन डाउन सेकंड डाउन है, ठीक है? इस टीम के साथ आप जा सकते हो 2 विकेट कीपर की टीम के साथ, जब इंडिया पहले बैटिंग करेगी तब इस टीम के साथ जा सकते हो, अगर इंडिया बाद में बैटिंग करती है तो आप इस कॉम्बिनेशन जैसे कि यहाँ पे विकेट कीपर में 1 बंदा और यहाँ पे 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर्स के साथ आप इस टीम में उतर सकते हो। अगर यहाँ पे टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आप यहाँ पे मैक्सिमम बॉलर्स जो आप इंडिया के ट्राई कर सकते हो, एक बॉलर जैसे चमीरा जी हमारे, उनको तो मोस्टली आपको हर टीम में ट्राई करना ही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दूसरी टीम जो है यहाँ पर आप 3 ऑलराउंडर मतलब 3 बॉलर जो है इंडिया के और 1 बॉलर जो है श्रीलंका का ट्राई कर सकते हो, ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं जीएल टीम्स के प्लेयर कौन कौन से रहने वाले, दोनों टीम्स की तरफ से कौन हमारे बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, श्रीलंका की तरफ से देखें तो एम भानुभाई एक अच्छा प्लेयर है, ये आपको बैट प्लस विकेट से मतलब विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट्स अच्छे खासे देता है प्लस कैचिंग से, बट यहाँ पर इंडिया की टीम बैटिंग कर तो इतने चांसेस मिलेंगे नहीं कैचिंग स्टंपिंग के, तो ये आपके लिए प्लेयर बनते हैं ग्रैंड लीग के। अगर आप 6 टीम्स के साथ जा रहे हो या फिर 10 टीम के साथ जा रहे हो, तो उसमें से कम 4 टीम में इनको जरूर ट्राई करना, जिसमें आप संजू सैमसन का कॉम्बिनेशन बनाओगे 2 वीडियो, वो भी सिचुएशन जब यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करेगी, ठीक है? तब यहाँ पे बनाना, अदरवाइज आप जो है मैक्सिमम टीम्स अगर चाहो तो संजू सैमसन की उससे बना सकते हो, बट भानु का मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि बॉल बैट्समैन ठीक ठाक है, आपको पॉइंट्स बैट से अच्छे खासे दे सकता है, ठीक है? उसका दूसरा में बात है डी सिलो, हालांकि लास्ट मैच में बिल्कुल नील परफॉर्मेंस आई, बट इस मैच में उम्मीद है क्योंकि प्लेयर काफी अच्छा है। अगर आप वही सीन अगर आप 10 टीम के साथ जा रहे हो, 10 कम से कम 4 से 3 या 4 टीम में ड्रॉप करना, बाकी अदरवाइज टीम में रखना, ठीक है? बी राजकस में इनके खेलने के आज गाइस हाई चांसेस है, क्योंकि इनके जो टीम मैनेजमेंट है वहां से भी बोला गया है कि यहाँ पे ये जो इनका एक प्लेयर है बीच में बताने क्या नाम है उनका, आई थिंक 2 या 1 रन आ गया था लास्ट मैच में, तो उसके बारे में बताया कि वहां पे वो लोग वो मतलब मिडिल ऑर्डर में ठीक ठाक खेल नहीं पा रहा है, तो ये आज के मैच में राजकस्पा को ट्राई कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। तो कहीं अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करते तो इनको मोस्टली टीम से अपनी जरूर रखना, क्योंकि बैटिंग से आपको अच्छे पॉइंट देगा, ठीक है? बाकी बॉलिंग का तो कोई शॉर्ट नहीं है। उसके बाद अभी डी सनाका मिडिल ऑर्डर के लिए, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए पिक बनती है, चाहे बैटिंग पहले करें या बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डी चमीरा है, इनको तो आपको मोस्टली टीम से अपना रखना ही रखना, और सेम सिचुएशन है वैलडो हजरंगा के साथ, ये भी आपको मोस्टली टीम्स में रखना ही है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करें इंडिया की तरफ से, लास्ट ओवर में भैया पृथ्वी शॉ बिल्कुल डक भी गया है, 0 पर आउट हो गया है, हालांकि ऐसा प्लेयर है नहीं आपको पता है, ठीक है? इनको तो मोस्टली अगर मैं वही चीज, अगर आप 10 टीम के साथ जा रहे हो तो 10 में से कम 7 टीम में रखना, 7 या 8 टीम में रखना, बाकी टीम में ड्रॉप कर देना। बाकी यहाँ पे हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों है। अब यहाँ पर सिचुएशन में रखोगे कैसे, अगर यहाँ पे इंडिया की टीम पहले बैट करती है तो आप यहाँ पर हार्दिक पांड्या के साथ जा सकते हो, अगर यहाँ पे इंडिया की टीम अगर इंडिया की टीम बाद में बैट करती है तो आप यहाँ पे कृणाल पांड्या जाते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा बैटिंग तो आई ना है वो बाद की बात है, बट ये बॉलिंग करा जाएगा, ठीक है?
हार्दिक पांडे का सेम सिचुएशन है, बॉलिंग कराने का है, पहले बैटिंग होगी तो बैटिंग यहाँ पर चिका से करके चला जाएगा, आ सकता है बैटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे बॉल वही चहल जो आपको कम से कम 100% टीम में रखना है, और यहाँ पे वी चहल वरुण चक्रवर्ती इनको भी अपनी 100% टीम में रखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये दो प्लेयर तो बिल्कुल फिक्स है आपकी हर टीम के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। यहां से गाइस भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहल दो आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से आज कोई एक ही बंदा यहाँ पे मेरे हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकता है, एक ही बंदा दो एक विकेट ले जा सकता है यहाँ पर, चाहे बोनस से ले जाए या फिर चाहे चहल ले जाए, और हो सकता है कोई एक विकेट मिले, एक और दो का रेशो रहे, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आज अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, ठीक है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आपके लिए भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस रहने वाली है, ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार को ट्राई जरूर करना अगर इंडिया पहले बैट करती है। अगर इंडिया पहले बॉल करती है तो भाई यहाँ पे आपके लिए दीपक चहर एक सुपर पिक बन जाता है, और भैया कम से कम अगर पहले इंडिया बॉलिंग करती है, दीपक चहर करेगा बॉलिंग, तो आपको कम से कम 3 से 4 टीम में एज ए कैप्टन कॉम्बिनेशन के साथ जाना, ध्यान रखना। और जिस सिचुएशन में इंडिया पहले बैट करेगी और अब दीपक चहर को जिस टीम में कैप्टन बनाओगे उस टीम में कहीं ध्यान रखना, विकेट कीपर तुम्हारा एक ही जाएगा, वो भी इंडिया का, क्योंकि दीपक चहर उखाड़ेगा तो भैया इन्हें घोड़ाएगा, जैसे भानु भाई इनको इन्हीं को साफ करेगा, ठीक है। तो दीपक चहर आपके लिए फर्स्ट इनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, अगर इन्हें पहले बॉलिंग करेगी तो, और भुवनेश्वर कुमार आपको जो है सेकंड इनिंग जब दोबारा दूसरी इनिंग में बॉलिंग करेगी तो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ग्रैंडी के प्लेयर्स हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं, किस तरह से रखने आपको प्लेयर्स रखने ग्रैंडी के लिए। अभी हम बात करें ग्रैंड लीग के जो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस क्या रहने वाले हैं, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस अगर आपको गाइस लगे किसी भी हाल में लगे कि इंडिया अगर श्रीलंका मान लो पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, श्रीलंका पहले बैट कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे बंदा अब इंडिया की टीम जो सारे ऑल आउट कर सकती है, स्कोर मैक्सिमम 110-120 के आसपास रहेगा और टीम से ऑल आउट रहेगी। अब ये माइंड खुद के दिमाग की उपज होती है, ठीक है, कहीं कोई होता नहीं है, मगर ये खुद के दिमाग की उपज होती है कि हाँ भाई ये लोग इतना स्कोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो अगर जैसा श्रीलंका पहले बैट कर रही है, इंडिया बॉल कर रही है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने क्या नाम है सॉरी दीपक चहर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी उसके बाद चहल और चक्रवर्ती इन दोनों को तो टीम्स में कैप्टन ट्राई करना ही करना है आपको ग्रैंड लीग की टीम में अगर इंडिया पहले बैटिंग कर पहले बॉल करती है तो, ठीक है। यहां से क्या करोगे, टॉप ऑर्डर जैसे भानुका हो गए, डिसिलो हो गए, इनको ड्रॉप करके जाओगे किसके साथ, राजस्थान वगैरह खेलते हैं तो इनके साथ जाओगे, इनके साथ अपनी टीम को उतारोगे ग्रैंड लीग के, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी पहले जब इंडिया बॉल करती है, ये दो आपके लिए सुपर कैप्टन वाइस कैप्टन निकल के आते हैं ग्रैंड लीग के, ठीक है। उसके बाद अगर यहां से आप जैसे आप देख रहे हो कि हमें इंडिया पहले बैटिंग करिए और यहां पर आपने देखा कि सपोज चले यार 100 रन भी बनाएगी टीम और हमारे ये दो बंदे इनमें से आपने जो कैप्टन बनाया वो अच्छा खासा परफॉर्म करिए, तगड़े विकेट हमें निकाल के ले गया। अब बात आती है वाइस कैप्टन की, वाइस कैप्टन किसको बनाया है, वाइस कैप्टन के लिए यहां पर जैसे आपको लगे पृथ्वी शॉ लास्ट मैच में बिल्कुल जीरो पर गया है, ठीक है। अब यहां से इतनी विकेट गिरेगी ना तो एक चीज ध्यान रखना, श्रीलंका से यहां से ना मतलब इंडिया के बहुत सारे 2 विकेट गिरेंगे, 3 विकेट गिरेंगी, इससे ज्यादा विकेट नहीं गिरेगी। तो इस सिचुएशन में कहूंगा आपको यहां से एक तो आपका डिफॉल्ट चॉइस है चमीना, इनको अपनी टीम में रखना ही है, ठीक है। दूसरे यहां पे हसरंगा है, इनको भी आपको टीम में रखना है, तो ये दोनों बॉल करेंगे, हो सकता है जो 1-8 विकेट गिरे वो इन दोनों को ही मिले, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, पृथ्वी शॉ या फिर धवन इनको यहां पे वाइस कैप्टन यूज कर सकते हो, अगर भाई ये पृथ्वी शॉ अगर आ गया अपनी उस पर तो ये मतलब 10 ओवर तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, मतलब 9-10 ओवर के आसपास मैच खत्म कर देंगे और अच्छे खासा रस मार के यहाँ पर अपनी टीम को जिता देंगे। तो ये हो सकता है पृथ्वी शॉ लास्ट मैच में 0 पे, भैया खुंदक तो आती है खिलाड़ी वाला खेल, अब तुम गली क्रिकेट की बात लगा लो भाई, तुम्हारी बैटिंग आती है और तुम 0 पर आउट होकर चलते हो, वैसे खुंदक तो आती है भाई यार एक बॉल भी नहीं खेल पाया, तो वही सीन है पृथ्वी शॉ के साथ, भैया बॉम्ब मार सकता है, ठोक सकता है। तो इस तरह की टीम्स में आप जिसमें इनमें कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करोगे अपने इन बॉलर्स को, इंडिया पहले बॉल करती है तब, तो यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन इनको और धवन को जरूर ट्राई करना, ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन आते हैं जब इंडिया पहले बैट करती है तब क्या करें, जब इंडिया पहले बैट करती है तो कहीं ध्यान रखना बॉलर्स कैप्टन तो मेरे हिसाब से आप बॉलर्स को ही ट्राई करो, ज्यादा बेटर है, चाहे सेकंड इनिंग में अगर सेकंड पहले बॉलिंग मतलब इंडिया बॉलिंग कर दिया ना, मतलब सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर दी तो आप यहाँ पर चहल को ड्रॉप करके भुवनेश्वर कुमार को आज फिर से ट्राई कर सकते हो, भुवनेश्वर कुमार आज फिर से आपको कमाल करके दिखा सकते हैं मे बी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको करना चाहिए कुछ टीम्स में चहल को रखना है, यानी सॉरी दीपक चहर को रखना है और ठीक है, यहाँ पर चक्रवर्ती को कुछ टीम्स में आपको ड्रॉप कर देना है, केवल चक्रवर्ती और यहाँ पर दीपक चहर इन दोनों को आपको स्वैप करना है, स्वैप मारना बस अगर इंडिया पहले बैट करती है तो, ठीक है। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन आप बॉलर्स में ही यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि श्रीलंका की टीम कभी भी भैया लोजी कह सकती है मैच आपका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग की बात करें, अगर इंडिया पहले बैट कर रही है तो आप यहाँ से जैसे धवन हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, संजू सैमसन हो गए, आप इनको भी अपनी टीम में एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पर ये ट्रिक जो मैंने बताई है हार्दिक पांडे कुणाल पांडे की, इसको ध्यान में रखना, ये इंडिया बैट फर्स्ट और बैट बॉल की दोनों की बात की कहानी है, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी टोटल प्रेडिक्शन। अब यहाँ पर गेम प्लान गाइस देखा जाए तो गेम प्लान आपको छोटी ही रखना है, छोटी गेम प्लान करना है,
अगर इंडिया पहले बॉल करती है तो, अगर इंडिया बाद में बॉल करती है तो आपको एक तरफ मतलब वही पहला वाला थोड़ा सा ये समझ के चलो कि 160-165 के आसपास 70 के आसपास रन बनेंगे, और दूसरी टीम जो है मैक्सिमम जैसे पिछले लास्ट जो 126 पर ऑल आउट हुई थी तो वही हाल है 100, 120, 130, 135 पर, 40 पर ऑल आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा गेम प्लान रहने वाला है। अब यहाँ पर गाइस अगर आपने अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं करी कर देना, बहुत सपोर्ट मिलता, काफी अच्छा लगता है आपकी वीडियो लाइक करते हो। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन मिलेगा, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन हमारी जो होती है टेलीग्राम चैनल पे ही होती है, क्योंकि वहां पे वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम बस कमेंट डालते हैं, देखने वाले जो टीम्स बनाने वाले वो बैठो पढ़ो और अपनी टीम्स बनाओ। ठीक है, और यह चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर अपना इन्वेस्टमेंट आप हेड टू हेड 3 मेंबर का ड्रीम 11 प्लेयरस्पॉट जैसी फेवलोन जैसी ऐप पर रखकर तो बंद कर दो। सबसे बेस्ट अभी जो फिलहाल है बैटबॉल 11 है और विजन 11 है, दोनों की दोनों जबरदस्त ऐप है, आप इनको ट्राई करो हेड टू हेड 3 मेंबर, क्योंकि आप एंट्री फीस बहुत कम है, आप एंट्री फीस देखो आपको पता चल जाएगा कि आपको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, रेफरल कोड चंद 13 जरूर यूज करना, लिंक भी टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक तो मिलेगा ही, साथ में इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छा खासा वो यहाँ पर कर सकते हो। तो कहिए थी हमारी टोटली प्रेडिक्शन ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग्स के बारे में, प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फिर से कह रहा हूं कर लेना, कोई फायदा आपका ही हुआ। बाकी अगर कोई भी क्वेरी अगर आपका इसमें कुछ मिस हो गया, आपको लगे कि हमें ग्रैंड लीग के लिए मेरे लिए कुछ मिस हो गया तो आप बेझिझक अपना कमेंट डाल सकते हो, कमेंट का रिप्लाई मैं आपको कमेंट में दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।